हेलो दोस्तों, चलिए आज फिर से एक नई कहानी की ओर चलते हैं। और आज की कहानी है प्रेमचंद की, दुनिया की सबसे अनमोल रत्न। यूजीसी नेट के सिलेबस में दो कहानी है, आप याद रखिएगा। पहला है ईदगाह और दूसरी कहानी है दुनिया का अनमोल रत्न। ये कहानी का मूल थॉट है, देश प्रेम से संबंधित है दोस्तों। आखिर देश प्रेम, और कहा भी जाता है कि किसी न किसी रूप में प्रेमचंद्र देश प्रेम से जुड़े हैं, इसीलिए इस कहानी का मूल थॉट देश प्रेम है, ध्यान रखिएगा। और दुनिया की जो अनमोल रत्न है, इस कहानी की कथानक पर अब हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कथानक क्या है। इनकी कथानक है, कथानक को लिया है मध्य एशिया का एक शहर है, बहुत ही फेमस शहर मध्य एशिया का है। ये नाम देख सकते हैं मिनी स्वाद, जगह का नाम याद रखिएगा मिनी स्वाद। और एक प्रेमी और प्रेमिका की कहानी है। इनके नायक दिल फिगार, याद रखिएगा नाम, नायक जो बोर्ड पर भी आप देख सकते हैं दिल फिगार, जो हुस्न की मलिका का सच्चा आशिक है, और नायिका है दिल फ्रेव मलिका। तो जो नायिका है बहुत ही अमीर है, उच्च खानदान से है, और जो नायक है दिल फिगार वह एक सच्चा आशिक है। जब और सच्चा आशिक की तरह वह प्रेम करता है। जब दिल फ्रेव मलिका के पास नायक दिल फिगार जाते हैं, तो दिल फ्रेव मलिका कहती है कि तुम अगर मुझे सच्चा प्रेम करते हो तो मेरे लिए दुनिया के अनमोल रत्न को ला दो, तभी मैं तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करूंगी। तो जो सच्चा आशिक है दिल फिगार, वह दिल फिगार दुनिया के सबसे अनमोल रत्न के लिए निकल पड़ता है। पहाड़, पर्वत, झरने घूमते घूमते रहता है, लेकिन उन्हें दुनिया के सबसे अनमोल रत्न दिखाई नहीं पड़ता है। उन्हें लगता है कि सोना चांदी हो या कोई रत्न हो, ये दुनिया का अनमोल रत्न नहीं हो सकता है। तो वह घूमते घूमते एक जगह पर पहुंचता है। वहां पर वह देखता है कि एक चोर जो हजारों कत्ल किया है, उन चोर को फांसी सूली पर चढ़ाया जा रहा होता है। जब सूली पर चढ़ाता है तो काजी उनसे पूछता है कि बताओ तुम्हारी अंतिम आकांक्षा क्या है। तो वो जो चोर है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, जो कैदी है इनका नाम है काला चोर। तो काला चोर सोचता है, फिर वो सामने देखता है कि एक छोटा लड़का है जो घोड़े पर खेल रहा है, मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। वो सोचता है कि मुझे अगर एक मिनट दे दिया जाए या कुछ समय दे दिया जाए तो उस बालक को हम गले लगा सके। तो दोस्तों, काजी उन्हें कुछ समय देता है और वह उस बच्चे को जाकर के गले लगा लेता है। उन काले चोर के आंखों से आंसू आता है और इस आंसू में वह अपने पूरे जितने भी कर्म किए हैं उनका याद आने लगता है, और उन्हें खुद का बचपन याद आता है कि जब मैं बचपन में था तो कितना खुश था, कितना हंसता था, कितना खेलता था। आज तक जो वो काला चोर था, इतने लोगों को उन्होंने मारा, लेकिन कभी भी आंखों में आंसू नहीं आए। जब उन्होंने बालक को गले से लगाया तो उनके आंखों में आंसू आ गए। इन चीजों को जब दिल फिगार आशिक देखता है तो वह समझता है कि यही दुनिया का अनमोल रत्न हो सकता है। और जो उस काले चोर के आंखों से एक बूंद जो आंसू टपका, उसी एक बूंद आंसू को लेकर दिल फिगार मिनी स्वाद शहर अपने हुस्न की मलिका दिल फरेब के पास चला जाता। जब वो हुस्न की मलिका के पास पहुंचता है तो वो कहता है कि मैंने दुनिया के सबसे अनमोल रत्न लाया है, और वह आंसू उस हुस्न की मलिका को सौंपता है। तो हुस्न की मलिका फिर भी अपना चेहरा नहीं दिखाती है। वो कहती है कि ए दिल
फिगार, बेशक तुमने अच्छा चीज लाया है लेकिन ये दुनिया के सबसे अनमोल रत्न नहीं है। तुम जाओ और इससे भी अच्छा कोई दुनिया के अनमोल रत्न लेके आओ, तभी तुम्हारे प्रेम को हम स्वीकार करेंगे। दिल फिगार काफी परेशान होता है। इन परेशान की स्थिति में, जिसे कह सकते हैं आम भाषा में टेंशन की स्थिति में, पुनः वह दुनिया के सबसे अनमोल रत्न को खोजने के लिए निकल पड़ता है। फिर वह कहता है, आ मौला, सबको किसी न किसी ने मदद किया है, क्या मौला मुझे मदद नहीं करेंगे, अल्लाह मुझे मदद नहीं करेंगे। इसी सोच विचार में वह पर्वत पठार पहाड़ पार करते करते परेशान होके एक दिन वो वहां पर पहुंचता है, श्मशान में पहुंच जाता है और बेशुद्ध होके सो जाता है। जब वह उठता है तो देखता है कि एक राजपूत स्त्री है जो अपने जांग पे अपने मृत पति को लेकर सती हो रही है और हंसते हंसते सती हो जाती है। इन चीजों को देखकर फिर दिल फिगार को लगता है कि ये जो आशिक का जो आग है, जो पत्नी का पति के प्रति प्रेम है, जो समर्पण है और जो जल गए हैं उनके साथ, यही दुनिया के राख जो है, दुनिया के अनमोल रत्न हो सकता है। पुनः दिल फिगार उस राख को अपने पास रखता है और सोचता है कि कहीं ना कहीं दुनिया का अनमोल रत्न यही है, और इस राख को लेकर पुनः अपने हुस्न की मलका दिल फरेब मिनी दिल फरेब के शहर मिनी स्वाद पहुंचता है और कहता है, ए हुस्न की मलिका, इस बार मैंने पुनः दुनिया के अनमोल रत्न लाया। हुस्न की मलिका पुनः उस अनमोल रत्न को देखती है, राख को देखती है और कहती है कि बेशक तुम सच्चा आशिक है, बेशक तुमने अच्छा चीज मुझे गिफ्ट किया है, लेकिन ये भी दुनिया के अनमोल रत्न नहीं है। जब ये बात सुनता है दिल फिगार तो अंदर से टूट जाता है। वो कहता है कि हे हुस्न की मलिका, कम से कम अपना चेहरा तो दिखा दो। लेकिन दिल फरेब मलिका उन्हें चेहरा तक नहीं दिखाती है और उनके जो अनुचर है, जो नौकर चाकर है, उसे धक्के मार कर बाहर निकाल देता है। तो दिल फिगार काफी परेशान होता है। अब लगता है कि हम दुनिया के अनमोल रत्न नहीं खोज पाएंगे और सोचता है कि फिर अगर हम अपनी प्रेमिका को प्राप्त न कर सके तो इससे अच्छा है कि मौत ही हम प्राप्त कर लें। तो इसी सिलसिले में वो चाहता है कि अब हम मृत्यु को ही प्राप्त कर लेंगे। प्यार के आशिकी में वो इतना तेजी से पहाड़ पर चढ़ता है और सोचता है कि हम इसी पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दें। जब कूदने ही वाला होता है तो नीचे एक फकीर देखता है, जिसे बोर्ड पर हमने लिखा है, नीचे एक फकीर दिखता है और वो फकीर कहता है कि ए दिल फिगार, क्या तुम सच्चे आशिक नहीं हो, क्या सच्चे आशिक कभी मौत को गले लगाता है या जान देता है, तुम्हें और भी प्रयास करना चाहिए और प्रयास करने से तुझे अपना लक्ष्य जरूर मिलेगा। तो उस पीर की बात को सुन के दिल फिगार सोचने लगता है। फिर पीर कहता है, तुम्हारा मनोकामना जरूर पूरा होगा, तुम हिंदुस्तान की ओर जाओ, क्योंकि हिंदुस्तान में ही दुनिया के अनमोल रत्न तुझे मिल सकता है। और दिल फिगार हिंदुस्तान की ओर पर्वत पठार नदी को पार करते हुए पहुंचता है। जब हिंदुस्तान की ओर पहुंचता है तो वह देखता है कि एक मैदान है, मैदानों में लाश ही लाश पड़ा हुआ है। ये सिपाहियों की लाश है, सिपाही की चीख सुनाई दे रही है उन्हें। जब वह एक चीखते
सिपाही के पास पहुंचता है तो वह सिपाही कहता है कि मैं अपने भारत माँ के लिए मर रहा हूं, मैं अपने देश के लिए मर रहा हूं, मैं गुलाम देश में जी नहीं सकता हूं, दो गज जमीन ही जो मुझे नसीब हुआ है इसीलिए मैं मर रहा हूं। हमारे लिए स्वतंत्रता मृत्यु से ज्यादा मायने रखता है, इसीलिए मैं हंसते हंसते जान दे रहा हूं। और जिस देश में ऐसे भीड़ हो उस देश को ज्यादा गुलाम नहीं रखा जा सकता है। इन बातों को सुनकर, इन सिपाही की बातों को सुनकर दिल फिगार को लगता है कि कहीं ना कहीं वह उस सिपाही के रक्त को लेता है और सोचता है कि यही दुनिया के सबसे अनमोल रत्न हो सकता है। और उस रक्त को लेकर दिल फिगार पुनः मिनी स्वाद शहर हुस्न की मलिका के पास पहुंचता है और हुस्न की मलिका को वह खून का रक्त देता है और कहता है यही दुनिया के सबसे अनमोल रत्न है। जब हुस्न की मलिका दिल फरेब इन खून के रक्त को देखता है और कहता है कि हे दिल फिगार, वास्तव में तुम सच्चे आशिक हो और वास्तव में ये जो रक्त है दुनिया के सबसे अनमोल रत्न है, क्योंकि जो देश पर बलि देता है, देश के लिए अपना जान निछावर करता है, उनसे बड़ा भला क्या हो सकता है, वही दुनिया के अनमोल रत्न है। इसके बाद हुस्न की मलिका दिल फिगार के प्रेम को स्वीकार कर लेती है और उनसे शादी कर लेती है और उसे वह अपना आका बना लेती है। अर्थात ये कहानी है, इस कहानी में प्रेमचंद ने देश प्रेम को दिखाया है, सती प्रथा को भी दिखाया है और जो मुख्य पात्र है दिल फिगार, इनके कैरेक्टर को भी उद्घाटित किया है। तो अगर देखा जाए तो दुनिया के जो अनमोल रत्न है, देश प्रेम पर आधारित प्रेमचंद्र की कहानी है। और इस कहानी को आप पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा और प्राय एक क्वेश्चन यूजीसी नेट का आपसे बन जाएगा। अगर और भी कहानी को सुनना है तो आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं और आपसे मैं वादा करता हूं कि 3 महीने में आपका GRF पक्का है। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट्स करके मुझे और भी कहानी के बारे में बता सकते हैं जिसे मैं आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मैं नई कहानी के साथ मिलूंगा। धन्यवाद।